अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने 7 वारदातें करना कबूल किया है। पुलिस उप अधीक्षक छवि शर्मा ने बताया कि वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर टीम का गठन किया गया था, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए नागौर निवासी जब्बार मोहम्मद और गोविंद गुर्जर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपियों से 7 बाइक बरामद की गई है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। लंबे समय से अजमेर में जो वाहन चोरी की घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए स्पेशल टीम गठित की गई थी, जिसके अंदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम जो है, उन्होंने सम्मिलित रूप से एसपी साहब के निर्देशन में, एडिशनल एसपी साहब के गाइडेंस में काम किया। इसके अंदर हमें कल जो बड़ी सफलता मिली, उसमें हमने 7 वाहन जो है वो 2 मुलजिम के साथ पकड़े हैं। दो मुलजिम दोनों ही पर्वत से नागौर के रहने वाले हैं। एक है जब्बार, जिनकी उम्र 22 वर्ष है, जिसकी उम्र, और एक है गोविंद गुर्जर, वो भी 22 वर्ष का है। जो 7 वाहन पकड़े हैं, उसके अंदर से 4 कृष्णगंज थाने के हैं और 3 कोतवाली थाने के हैं।